नमस्कार सभी को। आज उत्तम और सीमा हम दोनों इधर जॉली बॉय आइलैंड में आए हैं और मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा समुद्र है और एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। मैं थोड़ा नज़दीक जाके आपको इसको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आप देखिए कि पानी इतना साफ है कि नीचे जो पत्थर हैं या सी कुकम्बर टाइप के कुछ प्राणी दिख रहे हैं हम लोगों को, ये बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं, पत्ते तक दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। और अगर मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो दूर कहीं सुदूर आपको दिखेंगे कि कुछ आइलैंड्स हैं। वो इस वीडियो में बहुत दूर दिख रहे हैं, बट अगर आप ऐसे नेकेड आई से देखें तो इतना दूर नहीं दिखेगा। और यहाँ पे जो जॉली बॉय है, यहाँ हम लोग आए थे वंडूर से। वंडूर से हमने जेटी लिया, उसके बाद हम लोग जॉली बॉय आए। यहाँ महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत से प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 6 में आते हैं। और यहाँ पे करीब करीब 15 आइलैंड्स हैं जो पूरे मराइन नेशनल पार्क के अंडर में हैं, बट वो 15 आइलैंड सारे के सारे टूरिस्ट्स के लिए नहीं है, सिर्फ दो ही हैं, रेड स्किन और जॉली बॉय। हम लोग जो ये वीडियो आज आपको दिखा रहे हैं ये जॉली बॉय का ही है, जो 1.7 किलोमीटर्स के आसपास है करीब करीब महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क से। और बेसिकली यहाँ पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो टूरिस्ट आते हैं उनको एक्टिविटीज से मतलब है, तो यहाँ पे दो तरह की एक्टिविटीज ज़्यादातर होती हैं, एक होता है स्नॉर्कलिंग और एक होता है ग्लास बॉटम बोट राइड। अब ये तो हो गई टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात, बट जो लोग मराइन लाइफ में थोड़े से इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं बताऊं कि यहाँ जो कोरल हैं ये बहुत ही खूबसूरत कोरल हैं, और कोरल रीफ्स जो हैं यहाँ अंडमान के काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। हमने और भी दूसरे जगह देखा, बट अगर आपको कोरल रीफ्स देखना हो तो आप जॉली बॉय में ही आके देखिए। यहाँ हमने नीचे देखा बेबी कोरल रीफ्स ब्लू कलर के हैं, कुछ यहाँ पे रेडियम की तरह चमकने वाले फिंगर टाइप के कोरल रीफ्स हैं, बोल्डर कोरल है जिनको मदर कोरल भी बोलते हैं, और वो जो है उसमें डिफरेंट टाइप के कोरल्स आते हैं। ज़ेब्रा फिशेस है, हमने सी एनिमोन देखा, उसके बाद फिर हमने कुछ सी अर्चिन्स देखे। तो फुल ऑफ लाइफ, मराइन लाइफ, इनकी अपनी एक अलग दुनिया है समुद्र के नीचे, जो मेरे ख्याल से शायद हम लोगों की दुनिया से काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शांति प्रिय और बहुत ही सुंदर है। तो आप जब भी अंडमान आए तो आप ज़रूर जॉली बॉय आए। बाय। और आप देख सकते हो नीचे, देखो जिस तरह से क्लियर वाटर दिख रहा है, मछलियाँ भी दिख रही होंगी, अभी गई बड़ी सी मछली थी एक, और वो रहा हमारा बोट आ रहा है, हमें अब वापस लौटना है। यह एक बड़ा सा मॉनिटर लिजार्ड भी देखा था अभी हमने। तो 2-2.5 घंटा हमने स्पेंड किया है यहाँ, और बहुत अच्छा रहा अभी तक का पोर्ट पे और अंडमान के टूर पे। ये शायद राधानगर बीच के बाद सबसे बढ़िया जगह लगा हमें, यहाँ कभी मिस नहीं कर सकते आप, यहाँ आइए ज़रूर, इसको मिस करने लायक प्लेस नहीं है ये, यहाँ स्नॉर्कलिंग ज़रूर करना चाहिए सबको, बोट राइड भी कर सकते हो, बहुत ही क्लियर वाटर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, इससे क्लियर वाटर शायद अभी तक हमने देखा नहीं यहाँ, और बहुत ही पीसफुल, शांत। मुश्किल से 20-25 लोग होंगे यहाँ, हम लोग पूरे आइलैंड पे ही लगभग, कोई है भी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच।